हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट होम बटन। होम पे आप देख सकते हैं कि मेनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो सारे के बारे में एकदम डिटेल से ईच एंड एवरी टॉपिक करेंगे विथ एग्जांपल्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लेट्स स्टार्ट। इसके बाद हमारा ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। जैसे आप जो भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हो और आप किस इंडेंट में रखना चाहते हो, जैसे आप डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। तो ये हमारा था डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। उसके बाद हमारा ऑप्शन है सेटिंग का। आप जिस भी सेटिंग में रखना चाहते हो आप यहाँ से सेटिंग दे सकते हो अपने पैराग्राफ को। उसके बाद हमारा है बॉर्डर। आपका जो भी आप जिस भी बॉर्डर में रखना चाहते हो, जो भी बॉर्डर आप करना चाहते हो, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, तो ये आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा है ए टू जेड सॉर्टेड का। सॉर्टेड में क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि सॉर्टिंग होता क्या है। जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर से लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 5 कर देती हूँ, 8 कर देती हूँ, 2 कर देती हूँ। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है, लाइक 1 कर देती हूँ, तो मुझे इसको सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे पहले मैं नंबर का करके बताती हूँ। तो जैसे मुझे सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारा यहाँ पे नंबर है और ओके करते हैं, हमारा देखिएगा फिर सारा सॉर्ट हो गया। अगर हम इसी तरह से टेक्स्ट का करें, तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारा देखिएगा कि टेक्स्ट का सॉर्टेड हो गया। तो ये हमारा था सॉर्टिंग करने का। इसके बाद हमारा ऑप्शन है शो एंड हाइड का। इसका मतलब होता क्या है, जैसे आपने बहुत सारे पैराग्राफ में बहुत सारे वर्ड कुछ लिख रखे हैं, तो उसमें उन्होंने क्या गलतियां करी है, एक एक कर चेक करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो हम यहाँ से शो कर सकते, यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो मैंने पेज को क्लियर कर दिया सो डेट इसको समझने में ईजी हो। तो हम कुछ टाइप करते हैं, पहले मैंने लिखा इन साइड सी एस आई टी, उसके बाद कुछ लिखती हूँ एम एस वर्ड। ओके, तो आप देखिएगा कि अगर हम शो एंड हाइड करते हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे कुछ कुछ शो कर रहा है। मैं बड़ा कर देती हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई सिंगल डॉट कर रहा है, कहीं पे डबल डॉट कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे ऐसा सिंबल शो कर रहा है। तो ये क्या है, ये ऐसे क्यों शो कर रहा है? तो ये हमारा शो करता है कि जहाँ पे हमने एक स्पेस दी है, जैसे सो डेट मैंने कोई कुछ मैंने लिखा है अपने डॉक्यूमेंट्स में, और मैंने गलती से कहीं पे डबल स्पेस दे दिया है या फिर कहीं पे कुछ और गलतियां करी है, तो यहाँ पे शो करता है कि जहाँ पे हमने एक स्पेस दी है वहाँ पे 1 डॉट शो करेगा, और जहाँ पे 2 स्पेस दी है वहाँ पे 2 डॉट शो करेगा। तो इससे हमारा क्या होगा, कुछ भी गलतियां फाइंड करने में ईजी हो जाएगा। और ये हमारा जो शो करता है, ये हमारा इंटर करता है। जैसे मैंने इंटर किया, उसके बाद मैंने कुछ और लिखा, तो वो हमारा शो करेगा। जैसे इंटर करके, जैसे मैंने अभी इसको हटा देती हूँ और फिर कुछ लिखती हूँ, तो ये जो हमारा ऑप्शन होता है, ये जो लास्ट में हमारा ऑप्शन होता है, ये हमारा इंटर का शो करता है कि हमने यहाँ पे इंटर किया है। उसके बाद जैसे मैं कुछ और लिखती हूँ, जैसे अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरो शो कर रहा है। एरो क्यों शो कर रहा है, एरो यहाँ पे इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टैब स्पेस लगाया था, इसलिए यहाँ पे एरो शो कर रहा है। तो हमने जो भी गलतियां करी है, यहाँ पे बहुत सारे साइन शो करते हैं, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा शो एंड हाइड का ऑप्शन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इस ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं ग्रुप। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप किस वे में रखना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा है फाइंड का ऑप्शन। फाइंड में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमको कोई भी वर्ड को फाइंड करना है, जैसे मैंने यहाँ तो 2 लाइनें लिखी है, जैसे बहुत सारे पेजेस लिखे हुए हैं, उसमें से हमको कोई एक सिंगल वर्ड फाइंड करना है, तो जैसे हमें आईटी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे आईटी। आप देखिए कि जहां जहां आईटी रहेगा ना लिखा हुआ, वहां वहां हमें शो करने लगेगा।
कुछ भी फाइंड करना है तो आप यहाँ से सर्च करके फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है रिप्लेस। रिप्लेस में उस ऑप्शन होता है, जैसे हमें आईटी की जगह पे हमें कुछ और चाहिए, हमें आईटी की जगह पे सीएसआईटी चाहिए, सीएसआईटी तो ऑलरेडी है, मुझे वर्ड चाहिए, वर्ड चाहिए। उसके बाद हम लोग रिप्लेस करेंगे। यस, तो आप देखिए हमारा यहाँ पे आईटी की जगह पे एमएस वर्ड हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। और सेलेक्ट में आप किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा था टोटल होम बटन के ऑप्शंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।